ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शपथ ग्रहण के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में और आज सभी ब्यूरोक्रेट्स के साथ सीएम की बैठक होगी। आज शाम सचिवालय में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है। सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और बैठक में प्रमुख सचिव और सचिव भी शामिल होंगे। बैठक में सीएम सरकार के विजन को सामने रखेंगे। तो सरकार का विजन क्या रहने वाला है, किस तरीके से आगे काम किया जाना है, इसका विजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ब्यूरोक्रेट्स के सामने रखा जाएगा। शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली है, जिसमें कई खास लोग मौजूद रहेंगे और उनके साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल रहने वाले हैं। प्रमुख सचिव और सचिव भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, जिन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ शाम 4:30 बजे दिलवाते नजर आए। कालीचरण सराफ 8 बार विधायक रह चुके हैं और सबसे सीनियर हैं। प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए 3 सदस्य पैनल बनाया गया है, जिसमें विधायक दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को शामिल किया गया है। परंपरा के मुताबिक विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद पहले 2 दिन नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। सदस्यों के शपथ के बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रोटेम स्पीकर ही विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही संचालित कराता है। तो शाम 4:30 बजे का वक्त, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, कुछ ही समय में राज्यपाल कलराज मिश्र प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे। जो सीनियर मोस्ट विधायक होता है वो बनता है और वो सब विधायकों को शपथ दिलाता है। तो उसी क्रम में, क्योंकि मैं अभी सीनियर मोस्ट हूँ, इसलिए मुझे प्रोटेम स्पीकर का दायित्व दिया है और इसमें 3 लोगों का पैनल बनाया है, जिसमें प्रताप सिंह सिंघवी, दयाराम परमार और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, ये तीनों पैनल में है। तो हम लोग शपथ दिलवाएंगे सब विधायकों। तो प्रदेश के नए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने पदभार ग्रहण के 3 दिन बाद ही अपना चैम्बर बदल लिया। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कमरा नंबर 2119 में पदभार ग्रहण किया था, जो कि गहलोत सरकार के समय प्रताप सिंह खाचरियावास के पास था। लेकिन आज सचिवालय के डिप्टी रजिस्ट्रार पवन गोस्वामी की ओर से उनके कमरे को बदल दिया गया और अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को सचिवालय के कमरा नंबर 4125 में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस राज में ये कमरा मंत्री महेश जोशी के पास था। खबर अजमेर से है, जहां मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी सोमवार को अजमेर दौरे पर रहे। इस दौरान वासुदेव देवनानी ने छतरी योजना सामुदायिक भवन में विकसित की भारत संकल्प यात्रा के शहरी क्षेत्र अभियान का आगाज किया। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान वासुदेव देवनानी अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और साथ ही साथ जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकर विभिन्न विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष, राष्ट्र पुरुष माननीय मोदी जी की जो एक विकसित भारत की कल्पना है, उसको लेकर के देश भर के अंदर 15 तारीख से जो हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है, जिसका आज अजमेर शहर के अंदर वार्ड 74 से श्री गणेश हुआ है, जिसमें इस प्रकार के कैंप लगेंगे। जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको प्रधानमंत्री की जो मुख्य 17 योजनाएं हैं, जिसमें हर व्यक्ति को आवास भी हो, उसके जल के कनेक्शन की बात हो, उसको दवाई भी मिले, उसको वहां पे गैस के कनेक्शन के साथ स्वच्छता का शौचालय भी हो। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट आपको बताते चले। पुलिस के डर से आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, हथियार के साथ कोर्ट पहुंचा फायरिंग का आरोपी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी सलमान को हिरासत में ले लिया है। आपसी विवाद को लेकर आरोपी ने फायरिंग की थी और इसके बाद से ही लगातार आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस के डर से उसने सरेंडर कर दिया है। तो बड़ी खबर,
बताया जा रहा है कि फायरिंग का जो आरोपी था वो हथियार के साथ खुद कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट में उसने सरेंडर कर दिया है। तो फायरिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रतापगढ़ से ये खबर है जहां पर हथियार के साथ आरोपी खुद कोर्ट पहुंचा और उसने सरेंडर कर दिया। खबर करौली से है जहां श्री महावीर जी राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में शराबियों और असामाजिक तत्वों ने गोल पोस्ट में जमकर तोड़फोड़ की, जिसे लेकर गुस्साए खिलाड़ियों ने विरोध जताया और साथ ही पुलिस से प्रभावी गश्त लगाकर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।